हेलो हेलो सलाम शकील भाई। वालेकुम सलाम बाबा। उस कुत्ते से मैं तंग आ चुका हूँ, जिन्हें हराम कर दिया उस कुत्ते ने। बहुत शौक चढ़ी है उस कुत्ते को समाज सेवा करने का ना। उठा लो उस कुत्ते के पिल्ले को, तभी उस कुत्ते को आकर ठिकाने आएगा शकील भाई। ठीक है बाबा, आपका काम हो जाएगा, खुदा हाफिज। चुबेर जी भाई, इस आदमी को उठा लो और ध्यान से, ये एक कार्यकर्ता का भाई है तो ध्यान रहे, कोई गलती नहीं होना चाहिए। ओके भाई, काम हो जाएगा। और सुनो, मनिया को भी अपने साथ लेके जाना। ओके भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। इस हजीर जवानों का, लड़ेलों का, मस्तानों का, इस देश के यारो, इस देश के यारो क्या कहना। अरे यार, स्कूल का टाइम खत्म हो गया, अभी तक मेरा भाई पढ़ा करके आया नहीं। लीजिए ना माथुर जी, पीजिए ना। हेलो, कौन? शकील, शकील भाई। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुमको? क्यों बे कुत्ते, तू यही सोच रहा था ना कि तेरा भाई अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचा? तेरा भाई मेरे पास है, और अगर इसकी सलामती चाहता है ना, तो मैं जैसे जैसे तुमको बोलता हूँ वैसे वैसे कर। देखो मेरा भाई का कुछ मत करो, जो तुम कहोगे ना हम करने के लिए तैयार हैं, बस मेरा भाई को छोड़ दो। देख, तेरा भाई अभी तक सही सलामत है, और हाँ, अगर तू चाहता है ना कि तेरा भाई सही सलामत रहे, तो किसी मीडिया या पुलिस वाले के पास मत जाना, वरना अपने भाई से हाथ धो डालेगा। पता नहीं मेरा भाई किस हाल में होगा, मेरा भाई के साथ पता नहीं क्या क्या कर रहे होंगे, क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लगता उसी का फोन। हेलो। अबे सुन भी क्रांति की औलाद, छोड़ दो मेरा भाई को, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा भाई को कुछ मत करना। अगर अपनी और अपने भाई की सलामती चाहता है ना, तो मंत्री अजय बाबा के खिलाफ भौंकना बंद कर, वरना ऐसा मौत मारूंगा ना कि मौत भी थर्रा उठेगा। वाह माथरे साहब वाह, आपने बताना ही जरूरी नहीं समझा कि आपका भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं तुम्हारे आगे पांव पड़ता हूँ, किसी को मत बताना, नहीं तो मेरा भाई को लोग मार देंगे। आप घबराइए मत माथरे साहब, हमारा भाई बिल्कुल सही सलामत घर आएगा, आप घबराइए मत। मैं ऐसे एक शख्स को जानता हूँ कि कहीं से भी हमारे भाई को ढूंढ के ले आएगा। कौन है वो? मेरे दोस्त मेजर विक्रम सिंह और उसके दो जवान जो सैकड़ों पे भारी पड़ते हैं, जो दुश्मन के घर में घुस के उसके औकात दिखाते हैं, वही हमारे भाई को ला सकते हैं। रुकिए माथरे जी, मैं अभी फोन लगाता हूँ। जय हिंद मेजर साहब। जय हिंद। बोलो मेरे यार, कैसे याद किए? मेजर साहब, आपकी एक मदद की जरूरत थी। मदद? कैसी मदद? हमारे पार्टी के कार्यकर्ता 30 माथरे के भाई को किसी ने किडनैप कर लिया है, और बोला है कि पुलिस और मीडिया में जाएगा तो तेरे भाई को जान से मार दूंगा। बोल दो माथुरे से कल तक उसका भाई उसके पास होगा, ये मेजर विक्रम सिंह का जुआन है, और मेजर विक्रम सिंह की जुआन मतलब तुम तो जानते ही हो। मेजर साहब का फोन, मेजर साहब का फोन। लगता हमारा टाइम आ गया। ले तू बात कर, तुम बात करो, तू बात कर, तुम बात करो, हमेशा तो मेरे को फंसाता है। जय हिंद सर। जय हिंद। मैंने तुम्हें एक फोटो और लोकेशन सेंड किया है, वो आदमी आज के आज ही अपने घर पे होना चाहिए।
चाहे तो तुम पूरी टीम लेकर जाओ। नो सर, हम दो ही काफी हैं सर। वो आदमी आज के आज अपने घर में होगा सर। जय हिंद सर। इस आदमी को बचाना, ये रहा फोटो और ये लोकेशन। चलो चलते हैं। देख, आज तू यहाँ अपने भाई के कारण आया है। बहुत ईमानदारी के खुजली है सालों के अंदर। आज तू नहीं बच पाएगा। मार इसे, मार। माथुर साहब, ये पानी पीजिए और टेंशन नहीं लीजिए, आपका भाई आज के आज आएगा। जय हिंद सर। जय हिंद जवान। मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया। आखिर आपके भाई को क्यों किडनैप किया गया, क्या कारण है? ये सारा खेल मंत्री अजय बाबा का किया कराया है। मुझे पैसा से बहुत खरीदने का कोशिश किया, लेकिन जब मैं नहीं माना तो मेरा भाई को उठा लिया। और कोई भी गैर कानूनी ऐसा काम नहीं है कि जो अजय बाबा नहीं कराते हैं। अगर उनके खिलाफ कोई जाता है तो या तो मौत के घाट उतार देते हैं या तो उसे उठा लिया जाता है। और इतना ही नहीं, इतना औरत को विधवा बना दिया और छोटे छोटे बच्चों को नशीली पदार्थ दे करके गैर कानूनी काम करवाता है। आप लोग फिक्र ना करो, हम लोग देश के सिपाही हैं, देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं। बॉर्डर पर रह के हम देश की सेवा करते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पहले देश के अंदर की गंदगी को साफ किया जाए और अजय बाबा जैसे लोगों को जल से उखाड़ फेंका जाए। जवानों जाओ और उस मंत्री अजय बाबा का कुंडली निकालो। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुनो जी सर, अभी तक माल कभी पहुंचा? देखते हैं सर, गोपाल कहीं पीकर पड़ गया होगा। मंत्री अजय बाबा का क्या? बोल साले, तुम्हारे गिरोह में और कौन कौन है और तू किसके लिए काम करता है? तेरी अगली चाल क्या है? तू कुछ भी कर ले, तू मुझसे कुछ नहीं जान पा। बता। बोल। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। कुछ मुंह खोला साले ने? नहीं सर, पिछले 3 घंटे से मार रहे हैं सर, ज्यादा मारा तो मर जाएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम एक मोहरा हो, तुमसे मंत्री अजय बाबा ये सब गुनाह करवा रहा है। शायद तुमको पता नहीं कि तुम किसका साथ दे रहे हो। चुप कर कुत्ते, मैं मंत्री अजय बाबा के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकता। वो तो मेरे लिए भगवान है और असली खेल तो 3 दिन बाद है। मैं तुझे जान से मार दूंगा, मैं तो बता दे 3 दिन बाद क्या होने वाला है। तुम मुझसे कुछ नहीं जान पाएगा मेजर। तुम्हें क्या लगता है, तुम जिसे भगवान मानते हो ना, वही तुम्हारा बाप का कातिल है। और सीताराम का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका मौत का कारण अजय बाबा था। और उन्हें इसलिए मार दिया गया कि मंत्री अजय बाबा के खिलाफ बहुत सारे सबूत रखे हुए थे। अभी भी मौका है, तुम चाहो तो अपने गुनाहों का प्रायश्चित अभी भी कर सकते हो। ठीक 3 दिन बाद 15 अगस्त है और 15 अगस्त के दिन बहुत सारे स्कूलों में ब्लास्ट होने वाला है और उस ब्लास्ट के पीछे शकील और हमारे मंत्री दोनों का आज शाम में मीटिंग है। देखो, कल 15 अगस्त है और हमें शकील को किसी भी हाल में रोकना है, चाहे तो हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। ओके सर।
टुकड़े चपे चल बैठ बैठ, ये बचाएगा अपने देशवासियों को, ये बचाएगा अपने देशवासियों को जो उस कुत्ते कमल मेरे चरणों में खड़ा। अबे और दूसरा कुत्ता कहाँ है बे? मैं तीन गिनता हूं, अगर तीन गिनने तक वो नहीं आया तो तुम्हारा खोपड़ी उड़ा देंगे। एक दो तीन। रुक जाओ, उससे कुछ मत करना, मैं आ रहा हूं। होशियारी मत करना बेटा, जल्दी से आ जा। ये है इंडियन आर्मी। बैठ बैठ। क्या शकील भाई? क्यों बे, मंत्री के कुत्ते और तू यहाँ क्या कर रहा है बे? अभी बताता हूँ शकील भाई, तुमसे दो मिनट थोड़ा साइड में बात करना है। ए, दोनों पे ध्यान देना, हम अभी आते हैं, चलो। तुम तो मंत्री के ही आदमी था, यानी कि शकील के आदमी। देख अब मजाक छोड़, मजाक बहुत हुआ। ज्यादा भौंक मत, नहीं तो ठोक दूंगा। तुझे क्या लगा था मैं मंत्री का आदमी हूँ? हम तीनों एक साथ फोर्स ज्वाइन किए थे, फर्क सिर्फ इतना है कि मैं अंडरकवर था। तुम तीनों के खिलाफ मैं सबूत इकट्ठा कर रहा था। चल तेरा खेल अब खत्म। देख मेजर, तेरे जैसे कितने आए और कितने गए, मेरा बाजी बगा को नहीं कर सकते इंडिया में। ले ये रहा गन, अगर मैं तुझे मार दिया तो पूरा पुलिस और लोग तुम पर थूकेंगे, क्योंकि सारा सबूत तुम्हारे खिलाफ है। लेकिन अगर तूने खुदकुशी की तो कम से कम इज्जत की मौत तो तुम मरोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, क्या करना है क्या नहीं। मैं चला और ये रिवॉल्वर भी यही रख देता हूँ।